दिवस के मौके पर इंदौर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। भारत लोक समूह द्वारा संविधान के प्रति लोगों में जागरूकता के लिए रैली निकाली गई। वहीं रेलवे विभाग और नगर निगम सहित विभिन्न शासकीय विभागों में कर्मचारियों को संविधान का अनुसरण करने की शपथ दिलाई गई। आज संविधान दिवस के मौके पर इंदौर के रेलवे स्टेशन पर रेलवे विभाग के कर्मचारियों को भारतीय संविधान अनुसरण करने की शपथ दिलाई गई। इसी प्रकार नगर निगम इंदौर परिसर में भी आयोजित कार्यक्रम में निगम अधिकारियों और कर्मचारियों ने भी भारतीय संविधान का अनुसरण करने की शपथ ली। यहां सभापति श्री अजय नरुका ने भी शपथ ली। इंदौर से रिपोर्टर प्रमोद दीक्षित की रिपोर्ट। समिति गठित थी, उसने समिति ने संविधान को समर्पित किया था राष्ट्र को, और ये बड़े प्रसन्नता की बात है कि उस संविधान का बहुत कुछ विसंगति और बहुत कुछ उसमें गुंजाइश होने के पश्चात भी ये लगातार सब लोग उसका पालन कर रहे हैं और हमारा राष्ट्र लगातार उन्नति की तरफ बढ़ रहा है। और मैंने आज ये शपथ दिलाई इसी अपेक्षा के साथ में कि हम सब लोग मिलकर संविधान की मर्यादाओं का, उसका जो निर्धारण की हुई शक्तियों का हम पालन करें, और नागरिकों से मैं अपेक्षा करता हूँ कि वो अपने मौलिक अधिकारों को समझे और उस मौलिक अधिकारों को समझकर उसके प्रति अपना कर्तव्य का पालन करते हुए उन अधिकारों के लिए लगातार लड़ाई भी लड़ें जिन अधिकारों से वो वंचित हैं। तो वो एक आदर्श स्थिति निर्मित होगी और हर जगह हर समय हर युग के अंदर सुधार की गुंजाइश बनी रहती है। उनको सुधारते हुए हम आगे बढ़ते चले जाएं और अपने राष्ट्र को परम वैभव की तरफ ले जाएं। दूसरा एक प्रमुख मुद्दा, आज भारतीय रेलवे पे हम लोग संविधान दिवस को एक त्योहार के रूप में मना रहे हैं। ये कह सकते हैं कि संविधान का जो 70 साल सफलतापूर्वक पूरे हुए हैं उसको एक आयोजन के रूप में मना रहे हैं। तो आज हमने पूरे रेलवे पे, पश्चिम रेलवे के सभी स्टेशन पे और रतलाम मंडल के सभी स्टेशन पर हम लोगों ने जो संविधान की शपथ ली है और सभी जो हमारे कर्मचारी और अधिकारी को इकट्ठा करके संविधान का एक शपथ लेके उनको संविधान के बारे में एक बताया है। और क्योंकि संविधान हमारा हिंदुस्तान नहीं वर्ल्ड का एक सबसे सफलता संविधान है, उसके बारे में आज ये दिवस के रूप में मनाया गया है।